यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, ए एंड द. अभी हमें ये देखना है कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है. पहले हम पढ़ते हैं ए का यूज. ए का यूज करते हैं बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए बी सी डी के जितने भी बी सी जी जेड तक, ए ई आई को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ रैबिट, अ पेन, अ माउस, अ चेयर. अब यहाँ देखिए आर, आर से पहले हमने क्या लगाया, ए. पी से पहले अ, एम से पहले ए, और सी से पहले अ. ठीक है, अभी ए का यूज हमें पता चल गया कि आर्टिकल ए या अ का यूज कहाँ होता है. जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं सबके साथ हम ए का यूज करते हैं. अब सेकंड थिंग देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे का वर्ड तो है हमारे पास वोवल, बट उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड जैसा होता है. इसके लिए हम उसके आगे भी ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू, वाई यू, वाई डबल ओ और डब्ल्यू ए, इनका ये जो साउंड है बिफोर सच वोवल्स, कुछ वोवल्स हैं विच हैव द साउंड ऑफ यू, जिनके साउंड ये आता है यू, यू और वो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ यू यूजफुल बुक. अब यहाँ पे यू हमारे पास क्या है, वोवल है यू, बट इसका जो साउंड है वो क्या आ रहा है, यू. अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनी. अब यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है, यू का. यूरोप, अब यूरोप में वोवल तो ई है पर जो साउंड है वो किसका आ रहा है, यू, यूरोप. वन आई मैन, अब इसके आगे भी ए इसलिए लगा, वन, व का साउंड आ रहा है, वन का साउंड आ रहा है, व, इसलिए हम है वोवल फिर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं. वन रूपी नोट, अब इसमें भी व का साउंड आ रहा है तो हमने किसका यूज किया, ए का. तो जहां फर्स्ट तो इसका ए का यूज है कि जो कॉन्सोनेंट होता है जैसे आर, एम, बी, सी, डी से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं ए आई ओ यू को छोड़ के, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं. और सेकंड थिंग है कि कुछ ऐसे वोवल्स भी हैं जिनका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा है, जैसे जिनका साउंड है यू, यू और वो, उसके लिए हम ए का यूज करते हैं. इज इट क्लियर?